अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में वेलकम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके लिए आज नई आर्म्स फोर्सेस में कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसकी मालूमात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त पोजीशनें हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी इनकी होती है और ज़बरदस्त पोस्टें अनाउंस की गई हैं काफ़ी तादाद में। इनकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आइए आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं जनाब। ये AFIRM रावलपिंडी में दर्ज ज़ैल असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। उम्मीदवारान के लिए हर असामी की आगे दर्ज उम्र, काबिलियत और तजर्बे की शरायत पर पूरा उतरना लाजमी है। अच्छा, इसमें सबसे पहली पोस्ट है गेट लैब टेक्नीशियन की और ये ग्रेड 14 में होगा। तादाद इसकी एक है। मैट्रिक तालीम चाहिए किसी मुस्तनद अदारे से। आर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी में 3 साल डिप्लोमा, 1 साल गेट लेबॉर्टरी टेक्नीशियन तजर्बा को तरजीह दी जाएगी। ये डोमिसाइल जो सिंध देही इलाकों के हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र इसमें 18 से 25 साल चाहिए होगी। दूसरी पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, ग्रेड 11 है इसका, तादाद एक है। इंटरमीडिएट बमा कंप्यूटर साइंस एक मजमून के तौर पर, टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज होनी चाहिए। या फिर मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो किसी मुस्तनद अदारे से हैक ऑफ कंप्यूटर साइंस का 1 साल का तजर्बा रखते हों। ठीक है जी, ये भी सिंध के देही इलाकों से अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज इसमें चाहिए होगी। अगली पोस्ट है प्रोथेटिक टेक्नीशियन। ठीक है जनाब, इसकी 11 ग्रेड है, एक पोस्ट है मैट्रिक बमा साइंस, मजमून इज़ा वर्कशॉप का सर्टिफिकेट और मसनू इज़ा वर्कशॉप में 2 साल का तजर्बा ज़रूरी है। सिंध देही इलाकों से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरापी असिस्टेंट की फ़ीमेल की पोस्ट है, 7 ग्रेड में एक पोस्ट, मैट्रिक बमा साइंस, किसी मुस्तनद इदारे से फिजियोथेरापी में डिप्लोमा हो तो अप्लाई किया जा सकता है। सिंध देही इलाकों से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मशीन वर्कर की 5 ग्रेड में एक पोस्ट है, मिडिल पास और मसनू अज़ा वर्कशॉप का 3 साल का तजर्बा रखता हो, मकामी बुनियाद पर यानी रावलपिंडी से अप्लाई किया जा सकता है। एक पोजिशन है चौकीदार की, ग्रेड 2 है और मुतलका शोबा में तजर्बा रखता हो। मकामी तौर पे इसको भी रावलपिंडी के नवाही इलाकों, जो मतलब मकामी अफराद जो रावलपिंडी में ही रहने वाले हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त जमा कराने के लिए आपने अपनी पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है। सरकारी मुलाजमीन आपने इदारे से ज़्यादा लेके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपने मोबाइल नंबर, 2 अदद ताज़ा तस्वीर, पासपोर्ट साइज़, तालीमी इसनाद, तजर्बा सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, गजटेड ऑफिसर से तस्दीक करवा के 15 दिन के अंदर अंदर आपने भेजने हैं दिए गए एड्रेस के ऊपर। एडमिन ऑफिसर AFIRM रावलपिंडी में। ठीक है जनाब, तो ये जो जॉब है वो अनाउंस हुई है 21 अक्टूबर 2021 को और 15 दिन के अंदर अंदर आपने इसको सेंड कर देना है दिए गए एड्रेस पर। तो ये थी आज की लेटेस्ट ज़बरदस्त जॉब इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की डेली बेस पे अगर आप जॉब इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।